Hello students, now we will start a fresh topic, fresh subject of mechanical engineering. The first subject is strength of materials, in which we will study the, we will cover the whole syllabus of strength of material for GATE exam and ESE exams and for all other exams. Now let us see the syllabus of स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और सीक्वेंस हमारा क्या रहने वाला है. सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स की. अगर हम बात करें इंडेक्स की, अगर हम बात करते हैं तो इंडेक्स में हमारा पहला चैप्टर आता है बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिक. सेकेंड चैप्टर हम लोग देखेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस. थर्ड चैप्टर हम लोग देखेंगे स्ट्रेसेस इन बीम्स, स्ट्रेसेस इन बीम्स. फोर्थ चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे टॉर्सन, टॉर्सन. फिफ्थ चैप्टर में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेंस, प्रिंसिपल स्ट्रेंस. सिक्स चैप्टर हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ फेलियर, थ्योरीज ऑफ फेलियर. सेवन चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. एट चैप्टर हम लोग देखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. नाइन चैप्टर इज आवर थिन एंड थिक प्रेशर वेसल्स, प्रेशर वेसल्स. टेंथ चैप्टर हम लोग देखेंगे थ्योरीज ऑफ कॉलम, थ्योरीज ऑफ कॉलम. एलेवेंथ और लास्ट चैप्टर हम देखेंगे स्प्रिंग. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग टोटल इतने चैप्टर्स कवर करेंगे. बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस, थर्ड वन इज स्ट्रेसेस इन बीम्स, फोर्थ वन इज टॉर्सन, फिफ्थ वन इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, सिक्स्थ वन इज थ्योरीज ऑफ फेलियर, सेवेंथ वन एसएफडी एंड बीएमडी, एट वन इज स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, नाइन्थ वन इज थिन एंड थिक प्रेशर वेसल्स, टेंथ थ्योरीज ऑफ कॉलम, एलेवेंथ स्प्रिंग. आप लोग बुक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए आप लोग जो बुक प्रेफर करेंगे, रेफरेंस बुक की अगर बात करें तो आप लोग रेफरेंस बुक में टिमोशेंको एंड गेरे, टिमोशेंको एंड गेरे, दिस इज वेरी गुड बुक. सेकंड बुक आप ले सकते हो बीसी पुनामिया, पुनामिया. आप ये दो बुक फॉलो कर सकते हैं अपने रेफरेंस बुक के लिए, और प्रैक्टिस के लिए भी टिमोशेंको एंड गेरे एंड बीसी पुनामिया भी फॉलो कर सकते हैं फॉर ईएसई पॉइंट ऑफ व्यू एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट चैप्टर कवर्स ऑल द बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लाइक टाइप्स ऑफ लोड, इफेक्ट्स ऑफ लोड, द इक्विवेलेंट इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स. तो टोटल चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे और बेसिक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है. अगर आप बेसिक चैप्टर को पहले थ्रू आउट कवर करते हैं तो उसके बाद सारे चैप्टर्स आपको विजुअलाइज करने में बहुत ही सिंपल लगेंगे. बिकॉज कि अगर आप लोड को समझ जाते हैं तो उसके बाद आप उसके इफेक्ट्स को आसानी से डायगोनाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक. सबसे फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक, बेसिक ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. नाउ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को आप लोग डिफरेंट डिफरेंट नाम से भी जानते हैं. कहीं आप
स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से पढ़ते हैं, कभी आप मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं या सॉलिड मैकेनिक्स के नाम से पढ़ते हैं. वर्ड आता है मैकेनिक्स. द वर्ड मैकेनिक्स मीन्स वॉट. सबसे पहले देखते हैं मैकेनिक्स क्या होता है. मैकेनिक्स, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो वॉट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट फोर्सेज दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर मशीन्स एंड फ्लूइड्स. द वर्ड मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप मैकेनिक्स वर्ड को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए सिंपल हो जाता है कि मैकेनिक्स जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. लेकिन जब आप देखते हैं मैकेनिक्स को डिवाइड जब किया जाता है तो मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स. सेकेंड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड. एंड थर्ड वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स. फर्स्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में क्या डिफरेंस है. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी हम सॉलिड की ही मैकेनिक्स की बात करते हैं और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी हम सॉलिड की ही पढ़ाई करते हैं. फ्लूइड मैकेनिक्स, आप फ्लूइड के मैकेनिक्स की बात करते हैं, फ्लूइड यानी गैसेस और लिक्विड्स के मैकेनिक्स की बात हम करते हैं. लेकिन जब हम सॉलिड की मैकेनिक्स की बात हम करते हैं तो हम क्यों दो पार्ट में करते हैं. व्हाई वी स्टडी इन टू पार्ट्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिफरेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिफरेंट. क्या ऐसा होता है कि दोनों डिफरेंट होते हैं. बिकॉज की मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स क्या है, ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स अबाउट फोर्सेज. फोर्सेज दैट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एंड देयर इफेक्ट्स ऑन स्ट्रक्चर मशीन्स एंड फ्लूइड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मैकेनिक्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को डिवाइड किया गया, फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स. एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स. डायनेमिक इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स. काइनेटिक्स. अब हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होती है. सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी भी कहते हैं. रिजिड बॉडीज. और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज. मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज. डिफॉर्मेबल बॉडीज. अब बात आती है व्हाट इज रिजिड बॉडीज एंड व्हाट इज डिफॉर्मेबल बॉडीज. रिजिड बॉडी क्या होती हैं और डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती हैं. जब हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं तो उसमें हम रिजिड बॉडी की एनालिसिस करते हैं. रिजिड बॉडी क्या, द डिफॉर्मेशन विल नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू देयर शेप एंड साइज. हम उस बॉडी की स्टडी करते हैं जिसमें हम डिफॉर्मेशन को नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. डिफॉर्मेशन की बात ही नहीं करते हैं, उसे नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. मतलब कि केवल हम एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी करते हैं. आप लोग अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जब आप एफबीडी बनाते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस देखते हो, स्टैटिक के कंडीशंस देखते हो, इक्विलिब्रियम के कंडीशंस देखते हो, तो वहां पर क्या देखते हो, कहीं पर भी हम डिफॉर्मेशंस की बात नहीं करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात नहीं करते हैं. हम वहां पर केवल क्या बात करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडीज. वहीं पर जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं
उसमें हम स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं, मतलब कि जो एक्सटर्नल फोर्स जिस बॉडी पर अप्लाई हुआ, डैट बॉडी इज डिफॉर्मेबल बॉडीज, उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप। कोई भी डिफॉर्मेबल बॉडीज पे जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगी जो कि स्ट्रेस है, और उसके कारण उस बॉडी में कितना डिफॉर्मेशन हुआ उसको हम फाइंड आउट करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। यहां पर अगर आप देखो तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, एंड समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई भी बॉडी आपकी स्टैटिक कंडीशन में है तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब समीशन उस बॉडी पर जितने वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं उनका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन भी जीरो होना चाहिए, और समीशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, मतलब कि कोई भी बॉडी है उसके किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आप मूवमेंट ले रहे हो तो उसका समीशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन स्टैटिक कंडीशन। डायनेमिक पार्ट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। हम काइनेमेटिक्स में क्या चीजें देखते हैं, काइनेमेटिक्स में ऑलवेज हम जो बात करते हैं स्पेस टाइम रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, स्पेस टाइम रिलेशनशिप, यानी कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करते हैं, बट काइनेमेटिक्स में हम कभी भी कॉजेज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं। कॉजेज ऑफ मोशन क्या, फोर्स, द एक्सटर्नल फोर्स। इट मीन्स अगर आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते हो तो उसमें क्या चीजें होती हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई भी बॉडी है अगर वो स्टैटिक में है तो स्टैटिक में ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक जब उसका स्टेट तब तक चेंज नहीं होगा, मतलब कि स्टैटिक से वो मोशन में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, और मोशन से वो स्टैटिक में तब तक नहीं आएगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो हम केवल इसमें स्पेस टाइम रिलेशनशिप की बात करेंगे, मोशन कॉजेज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं। और वही चीज अगर काइनेमेटिक्स में आते हैं तो काइनेटिक्स में कॉजेज ऑफ मोशन की भी स्टडी करते हैं, कॉजेज ऑफ मोशन इट मीन्स फोर्स, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें वो कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम गिव्स द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि द समीशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन लिनियर मोमेंटम। ये अगर आप देखो ट्रांसलेशन की बात करते हैं, रोटेशन में वही आइलर्स कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is equal to the torque, the summation of torque, externally applied torque। अब आते हैं मॉस पे और सोम पे। सोम को मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कहते हैं, उसको हमने देखा। फिर फ्लूड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूड मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, टू पार्ट्स। फ्लूड मैकेनिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फ्लूड, वॉट इज फ्लूड, फ्लूड क्या होता है, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड। इट एग्जाम्पल गैसेज, एयर, वाटर, वेपर एक्सेट्रा, इट ऑल आर फ्लूड, एनीथिंग विच कैन फ्लो। तो फ्लूड में दो तरह की मैकेनिक्स हम पढ़ते हैं, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स और कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स। अब देखते हैं इनकम्प्रेसिबल और कंप्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स क्या है। इनकम्प्रेसिबल मीन्स जो फ्लूड कंप्रेस ना हो सके। इट मीन्स अगर आप मार्क नंबर की बात करते हैं, जो हम फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम देखेंगे शुरुआती दौर में कि मार्क नंबर की वैल्यू 0.3 से अगर कम होती है तो उस फ्लूड को हम कंसिडर करते हैं डैट फ्लूड इज आवर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड, और कंप्रेसिबल फ्लूड द फ्लूड विच कैन कंप्रेस इजली दैट इज कॉल्ड द कंप्रेसिबल फ्लूड। यानी कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूड में आपकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, बट अकॉर्डिंग टू मार्क नंबर डेंसिटी 5% तक डेंसिटी अगर चेंज होती है तो उसे हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूड के कैटेगरी में रखते हैं, और कंप्रेसिबल फ्लूड
मार्क नंबर की वैल्यू अगर 0.3 से ज्यादा है, डेट फ्लूड इज कॉल्ड कंप्रेसिबल फ्लूड। तो जो आप फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ेंगे वो आपकी होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स, जहां पे हम केवल लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल एंड गैसेज आर कंप्रेसिबल, बट कुछ कंडीशंस में हम वहां पे भी देखेंगे कंप्रेसिबल, तो वो डिफरेंट कंडीशंस है। जब हम कंप्रेसिबल फ्लूड की बात करेंगे, मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम डिफरेंट चीजें देखेंगे। बट आपके अगर गेट के सिलेबस की बात की जाए तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूड मैकेनिक्स आपके गेट के सिलेबस में है, जो कि आप फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द डेफिनेशंस ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड फ्लूड मैकेनिक्स। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, द एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज व्हाट। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या स्टडी करेंगे? हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सिंपली क्या पढ़ते हैं? एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट इज टू ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर डिफॉर्मेशंस, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स व्हिच आर डेवलप्ड अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, विच आर डेवलप्ड अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन। इट मीन्स वॉट, जब हम किसी भी बॉडी पे, डिफॉर्मेबल बॉडीज पे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होती है और बॉडी में कुछ डिफॉर्मेशंस होती हैं, तो उनके एक्सप्रेशंस को हमें डिराइव करना है। जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए अंडर, दिस इज अंडर एक्सियल लोडिंग कंडीशन। फिर हम पढ़ते हैं एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा बी अपन वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, ये बेंडिंग इक्वेशन। देन हम टॉर्सन इक्वेशन भी पढ़ते हैं, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई वाई इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये जो हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, डेट इज अंडर प्योर, दिस इज अंडर प्योर एक्सियल लोडिंग कंडीशन, दिस इज अंडर प्योर बेंडिंग कंडीशन एंड दिस इज अंडर प्योर टॉर्सन कंडीशन, प्योर ट्विस्टिंग मोमेंट कंडीशन। तो इन सब कंडीशंस में हमारा एम क्या है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि एम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट इज टू ड्राइव द एक्सप्रेशंस फॉर डिफॉर्मेशंस, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स विच आर डेवलप्ड अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन बाई यूजिंग एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड एलास्टिक प्रॉपर्टीज लाइक यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ई। और पॉइजन्स रेशियो, दिस इज म्यू। बाई यूजिंग दिस टू एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड एलास्टिक प्रॉपर्टीज वी कैन डेवलप द एक्सप्रेशंस फॉर स्ट्रेसेस, स्ट्रेन्स, डिफॉर्मेशन एवरी। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुरू से लेके अंत तक स्ट्रेस और स्ट्रेन की एनालिसिस करते जाएंगे, और स्ट्रेस और स्ट्रेन की एनालिसिस करने के लिए हमें पहले लोड को समझना जरूरी होगा। अगर आप देखो तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट होता है मैकेनिकल में आपका मशीन डिजाइन। अब अगर आप देखो तो डिजाइन सब्जेक्ट का एम क्या होता है, डिजाइनिंग हम क्यों पढ़ते हैं? बाई यूजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो चीज़ें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे उसी का एप्लीकेशन आपको मशीन डिजाइन में करना है। तो थोड़ा बहुत चीज़ें हम मशीन डिजाइन का भी बेसिक पोर्शन देखेंगे यहाँ पर। अल्टीमेट एम ऑफ डिजाइन इज टू डेवलप अ ड्रॉइंग दैट इज सेलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट मटेरियल, कैलकुलेशन of appropriate dimensions by using some equations, selection, manufacturing process detail in such a way that the resulting component should perform its given functionality satisfactorily. ओके, डैट इज विदाउट फेलियर। मतलब कि हम कोई भी चीज मशीन डिजाइन में अगर डिजाइन करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को डिजाइन करेंगे, तो हमें डिजाइन में क्या क्या चीजें देखनी है, शेप, मटेरियल, डायमेंशंस, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम अगर कोई गिवन कंडीशन है, कोई प्रैक्टिकल कंडीशन है, लोडिंग कंडीशन है, उस पर हमें किसी भी कंपोनेंट को डिज़ाइन करना है, तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर शेप कैसा होना चाहिए, इसका अप्रोप्रिएट शेप देखते हैं। फिर हम शेप के बाद देखते हैं कि मटेरियल कौन सा हम यूज कर सकते हैं। मटेरियल जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज हमें मिल जाएंगी, हर एक मटेरियल की इलास्टिक कॉन्स्टेंट, मतलब यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो हमें पता होगा। फिर हम डायमेंशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम डायमेंशंस, मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले हम क्या करेंगे, शेप देखेंगे कि शेप कैसा होगा, वहाँ पर जो कंपोनेंट हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस कंपोनेंट का
शेप कैसा होना चाहिए या कैसा शेप वहां हमें लगाना है. देन आफ्टर हम उसमें मटेरियल की बात करेंगे. देन अब मटेरियल को भी चूज कर लिया, शेप को भी चूज कर लिया, तब हमें डायमेंशंस को फाइंड आउट करना होता है कि हमें कौन कितना डायमेंशन का यहाँ पर हमारा सूटेबल होगा, डायमेंशन कितना होगा तो वो फेल नहीं होगा. गिवन कंडीशन में उसका फंक्शन जो होगा वो सेटिस्फैक्ट्री होगा. ओके, कोई भी कंपोनेंट फेल कब होती है, कोई भी कंपोनेंट फेल कब होती है, हमने डिजाइन किया और वो फेल हो रही है, यानी कि वो अपने फंक्शन को सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करने में अनेबल है. इट मींस अ कंपोनेंट इज सेड टू बी फेलियर व्हेन इट इज अनेबल टू परफॉर्म इट्स गिवन फंक्शनलिटी सेटिस्फैक्टरली. ओके, नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वन, डिजाइन क्राइटेरिया की बात करते हैं. हम दो तरह से डिजाइन करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइन क्राइटेरियन. जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट देखोगे, फिर मशीन डिजाइन सब्जेक्ट देखते हो, तो उसमें आपको डिजाइन करना है. तो डिजाइन किसी भी कंपोनेंट को अगर हमें डिजाइन करना है तो दो क्राइटेरियन पे हम क्या करते हैं, उसे डिजाइन करते हैं. देखते हैं डिजाइन डिजाइन क्राइटेरियन देर आर टू डिजाइन क्राइटेरियन. नंबर फर्स्ट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरियन. स्ट्रेंथ क्राइटेरियन सेकेंड वन इज रिजिडिटी क्राइटेरियन. रिजिडिटी क्राइटेरियन. अब बात आती है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की बात करते हैं. स्ट्रेंथ क्राइटेरियन की बात करते हैं. स्ट्रेंथ क्राइटेरियन क्या होती है, किसके बेस्ड ऑन होता है. बेस्ड अपन परमिसिबल स्ट्रेस और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अलाउेबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस और सेफ स्ट्रेस. ये जो परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउेबल स्ट्रेस या वर्किंग स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस की जो हम बात करते हैं, ये किस चीज़ से हम फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं. इनको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं, दिस इज ऑब्टेंड बाय using factor of safety. आगे देखेंगे क्या होता है हमारा factor of safety. पहले हम strength criterion और rigidity criterion की बात कर लेते हैं, then after हम discuss करेंगे factor of safety की बात और हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी component को हम कैसे design करेंगे by using strength criterion और by using rigidity criterion. Second one is B is what? A rigidity criterion. Rigidity criterion. This is the basic of strength of material. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिक, पहले डिजाइन की बातें कर लेते हैं. उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आप क्या करते हैं कि कुछ सेफ डिजाइन की वहां पे बातें करेंगे. हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे और ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स गेट में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियन, डिजाइन क्राइटेरियन के ऊपर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो पहले हमें डिजाइन क्राइटेरियन को समझना बहुत जरूरी है कि स्ट्रेंथ क्राइटेरियन किस बेस पे होता है और रिजिडिटी क्राइटेरियन किस बेस पे होती है. तो रिजिडिटी क्राइटेरियन जो होती है, दिस इज बेस्ड अपन परमिसिबल डिफॉर्मेशन
deformation obtained from the standard standards used in the design of that component. Simple language में अगर समझा जाए तो strength criterion में हम क्या करते हैं, कोई भी कंपोनेंट हमें डिजाइन करना है बाय यूजिंग स्ट्रेंथ क्राइटेरियन, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि जहां पर हम जिस कंपोनेंट को डिजाइन करने वाले हैं वो जहां पर हम उसे इंस्टॉल करेंगे उस जगह पे लोडिंग कंडीशन क्या है, पहले हम लोडिंग कंडीशन को एनालाइज करेंगे, देन आफ्टर लोडिंग कंडीशन में वहां पर उस लोड के कारण कितना स्ट्रेस उस कंपोनेंट में जनरेट हो रहा है, देन आफ्टर हम देखेंगे कि उस मटेरियल का कितना स्ट्रेस है, मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस कितना है, मतलब फेलियर स्ट्रेस अगर हम बात करें तो यील्ड स्ट्रेस की भी हम बात कर सकते हैं और अल्टीमेट स्ट्रेस की भी बात कर सकते हैं. फेलियर स्ट्रेस आर डिपेंड अपन देयर डिपेंड अपन द कंडीशंस. अगर जहां पर डिफॉर्मेशंस अलाउएबल है, एक लिमिट तक डिफॉर्मेशन अलाउएबल है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को अपना फेलियर स्ट्रेस मानते हैं. देन आफ्टर अगर हमारा कहीं पर डिफॉर्मेशन अलाउएबल नहीं है, मतलब कि थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मेशन होता है तो वो फेलियर माना जाता है, तो उस कंडीशन में हम यील्ड स्ट्रेस को अपना फेलियर स्ट्रेस मानते हैं और कंपोनेंट को डिजाइन करते हैं. तो यहां पर एक वर्ड आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है, दैट इज परमिसिबल स्ट्रेस इज इक्वल टू द फेलियर स्ट्रेस अपन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. देन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज वॉट, द फेलियर स्ट्रेस अपन परमिसिबल स्ट्रेस. वो आगे अभी हम लोग एनालाइज करेंगे. रिजिडिटी क्राइटेरियन में क्या करते हैं, स्ट्रेंथ क्राइटेरियन क्लियर है कि गिवन कंडीशन में कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है और मटेरियल का कितना कैपेसिटी है, उसके बेस्ड ऑन हम डिजाइन करते हैं. देन आफ्टर रिजिडिटी क्राइटेरियन में देखते हैं कि गिवन लोडिंग कंडीशन में, गिवन प्रैक्टिकल कंडीशन में कितना डिफॉर्मेशन अलाउएबल है, मतलब कि इतना डिफॉर्मेशन अलाउएबल है वहां पर, मतलब कि कोई भी कंपोनेंट है जो कि इतने डिफॉर्मेशन तक वो फेल नहीं माना जाएगा, तो उस कंडीशन में हम उस डिफॉर्मेशन के बेस्ड ऑन हम अपना डिजाइन करते हैं, मतलब कि परमिसिबल डिफॉर्मेशन कितना है और वहां पर गिवन कंडीशन में डिफॉर्मेशन इंड्यूस्ड कितना हो रहा है, इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन कितने हैं, तो उसके बेस्ड ऑन इसमें हम करते हैं. अभी सारी चीजें हम लोग देखेंगे. ओके,